नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ों के विकास परियोजनाओं को शुरू किया। कई शहरों में मेट्रो का वितरण किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़ी योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। किसान और पशुपालकों के लिए हित में नई पहल की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा, जब सारे हितों सहित थे और सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा था कि आएगी तो बीजेपी ही। आगे उन्होंने कहा, लोग सत्ता विरोधी लहर की बात करते हैं, लेकिन सत्ता के पक्ष में लहर की बात किसी को नहीं पता। हमने काम किए, ईमानदारी से किए, भ्रष्टाचार दूर किया, लूट राजा पर ब्रेक लगाई। ईवीएम पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी नतीजों को लेकर स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ है वहां ईवीएम खराब है, और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सरेआम बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि आर्वन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह और सदर विधायक योगेश वर्मा कही सुनी हुई थी, जिसको लेकर आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी बीच तमतमाए अवधेश सिंह ने सरेआम पुलिस कर्मियों के सामने विधायक योगेश वर्मा पर हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद दूसरे वकीलों ने भी विधायक की ओर से घेर लिया और मारपीट की। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम है। बाकी की 4 सीटों के उम्मीदवारों के नाम अभी होल्ड किए गए हैं। और आगे बता दें कि 10 सीटों पर इस साल के आखिरी तक विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हरियाणा में जलेबी को लेकर शुरू हुई राजनीति मध्य प्रदेश तक आते आते नियुक्ति तक पहुंच गई। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। नतीजे के बाद जब कुलदीप बिश्नोई समर्थकों के बीच पहुंचे तो वो अपने आंसू नहीं रोक सके। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक हम इन खेलों की स्वीकृति प्रदान की है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, ये खेल भव्य होंगे। जयपुर के संसार चंद्र रोड पर स्थित रॉयल वर्ल्ड मॉल में सुबह 9 बजे आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस और प्रशासन पहुंच गए। आग चौथी और पांचवी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण फैल गई। दमकल कर्मियों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मॉल को तुरंत खाली कराया गया। इस मॉल में आग की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस मॉल के हर फ्लोर पर दर्जनों की संख्या में ऑफिस मौजूद है। गुजरात के गांधीधाम में स्थित कबाड़ की दुकान पे विस्फोट होने से 28 साल के अनिल कुमार नामक युवक की मौत हो गई। मृत व्यक्ति के सनोहा थाना क्षेत्र के बस्तानवा का निवासी था। बता दें कि अनिल कुमार कबाड़ की दुकान में काम करते थे। मंगलवार की रात अचानक दुकान में विस्फोट होने से अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।
उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद की गाड़ी का बुधवार को प्रतापगढ़ रायबरेली बॉर्डर पर एक्सीडेंट हो गया। मंत्री की गाड़ी उनके काफिले के साथ जा रही थी, गाड़ी से टक्कर लग गई। इस हादसे में मंत्री संजय निषाद की मामूली चोट लगी है। ये घटना सलवन इलाके में हुई, जहां मंत्री को एक मीटिंग के लिए प्रतापगढ़ जाना था। घटना के बाद संजय को तुरंत प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज लाया गया। अस्पताल में उनके इलाज की प्रक्रिया जारी की गई। चिकित्सकों का कहना है कि मंत्री खतरे से बाहर हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस उनके फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुष्पा 2 का पोस्टर रिलीज हो गया है। इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने बताया कि मूवी का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। इस फिल्म के गाने पहले ही रिलीज कर दिए जा चुके हैं। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवॉर्डेड फिल्मों में से एक है। इन दिनों कार्तिक आर्यन अपने फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें वो मंदिर में पूजा करते नजर आए। उनके घर मंदिर में साईं बाबा और माता सरस्वती की मूर्ति रखी हुई है, जिसको लेकर कार्तिक आर्यन को यूजर्स ने धर्म का पाठ पढ़ाया। एक यूजर ने ट्वीट किया कि भाई साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया है। दूसरे ने कमेंट किया, कार्तिक आर्यन आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन मेरा मानना है कि मंदिर में भगवान को बराबर या उनके ऊपर साईं बाबा की मूर्ति शायद अनुचित है। साईं बाबा में लोगों की आस्था है, उस आस्था का सम्मान है, लेकिन वो हमारे ईश्वर के बराबर नहीं। वो भी उनकी संतान है, लेकिन भगवान नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच आज T20 मैच का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुणा जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। इसका लाइव जियो सिनेमा पर फ्री देखा जा सकता है और टीवी पे स्पोर्ट्स 18 के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मैचों में टीम इंडिया ने 14 बार और बांग्लादेश ने 1 बार जीत हासिल की है। हिजबुल्ला के हमलों के बाद इसराइल लगातार लेबनान पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आज इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। IDF ने बताया कि लेबनान में किए जा रहे हमले में 50 हिजबुल्ला आतंकवादियों को मार गिराया है और हिजबुल्ला के 6 टॉप कमांडर भी ढेर हो गए हैं। हिजबुल्ला के चीफ सैयद हसन नसरुल्ला के उत्तराधिकारियों को मार गिराए जाने के बाद इसराइल ने ऐलान के बाद भारत और लेबनान के राजदूत रवि नाश ने बहुत बड़ी बात कही। जंग के बीच उन्होंने महात्मा गांधी के कथनों का जिक्र करते हुए कहा कि हिजबुल्ला एक वैध राजनीतिक दल है, इसे लोगों का समर्थन है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे द न्यूज़ 50।